दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। बीएड छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी बड़ा न्यूज़ है कि अब उनको बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 1,05,000 रुपये ही देने होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि बीएड करने के लिए आपको 1,50,000 रुपये लगेंगे, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज है। आप देख सकते हैं कि 26 अप्रैल 2019 को दैनिक भास्कर में यह छपी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड में नामांकन के लिए छात्रों को देनी होगी 1,05,000 रुपये फी। तो ये काफ़ी राहत भरी न्यूज है बीएड के छात्रों के लिए। कम से कम 50,000 रुपये की उनको बचत होगी और बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। तो आइए न्यूज को आप विस्तार से जानिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में गुरुवार को बीएड एमएड सलाहकार समिति की बैठक कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय की अध्यक्षता में हुई। विश्वविद्यालय मुख्यालय में बीएड व एमएड की पढ़ाई शुरू करने, नामांकन व फीस स्ट्रक्चर पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बीएड में नामांकन एनओयू से चयनित अभ्यर्थियों का ही लिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से बीएड के लिए 1,05,000 रुपये फी निर्धारित किया गया। नामांकन के समय छात्रों को 56,000 रुपये लिए जाएंगे, यानी छात्र जो है नामांकन के समय 56,000 रुपये देंगे। इसमें नामांकन शुल्क 50,000 रुपये, यानी आप 50,000 शुल्क में नामांकन आपका होगा और क्वेश्चन मनी के तहत आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे और नामांकन प्रपत्र शुल्क आपको 1,000 रुपये देने होंगे। तो 50, 5, 55, 1, 56,000 हो गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अंक के आधार पर एमएड में नामांकन लिया जाएगा। तो वहां तक आप बीएड का न्यूज आप जान चुके हैं कि 56,000 में ही फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन करवा सकते हैं और बाद में कि सेकेंड ईयर में आपको 50,000 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर जानिए कि ये क्वेश्चन मनी क्या है। ये क्वेश्चन मनी जो आपसे लिया जाएगा वो आपको जो है आप बीएड जैसे पास कर जाएंगे तो आपको लौटा दिया जाएगा या सेकेंड ईयर के फी में मैनेज कर दिया जाता है। 45,000 ही लिया जाता है। जैसा कि हमने किया था तो हम लोगों के समय में भी 1,05,000 रुपया फी था, तो 5,000 जो है रुपया सेकेंड ईयर में जो है कम लिया गया था, यानी 45,000 ही हम लोगों को जमा करना पड़ा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज है। आइए आपको हम बीएनएमयू के अंतर्गत आने वाले सभी गवर्नमेंट कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज का लिस्ट दिखाते हैं। इन कॉलेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनका जो है 1,05,000 में ही बीएड फाइनल हो जाएगा। अब अन्य यूनिवर्सिटी का तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बीएनएमयू के लिए है। ऐसा आप लोग भी अपने कॉलेज से मांग करें कि बीएनएमयू ने ऐसा कर दिया है तो आप लोग ही ऐसा कीजिए ताकि आप लोग भी काफ़ी कम रुपये में बीएड कर सके। आप लोग भी अपने कॉलेज से ऐसा मांग उठाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बीएनएमयू के अंतर्गत कौन कौन बीएड कॉलेज आते हैं। तो हम बीएनएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है। यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज को टच किए, ये बीएड कॉलेज है। अब नीचे हम देखिए बीएड कॉलेज का लिस्ट खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीपी कॉलेज मधेपुरा, ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। इनके प्रिंसिपल का नाम जान सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर देख सकते हैं। उसी प्रकार से पार्वती साइंस कॉलेज, ये भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। उसके बाद है एमएलटी कॉलेज सहरसा, ये भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। इनमें नामांकन होने पर आपको 1,05,000 रुपये ही देने होंगे। रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा, ये भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। आरएम कॉलेज सहरसा, ये भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। उसके बाद है गवर्नमेंट टीटी कॉलेज सहरसा, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आपको 24,000 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज,
ये आपको जो है प्राइवेट कॉलेज है, इनमें भी आपको लगेंगे इतना ही। एमपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। एमएसटीटी कॉलेज गौशाला चौक मधेपुरा, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। एससी बोस कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसराइन खुर्दा कुमारखंड, ये भी आपको प्राइवेट कॉलेज है। राधे श्याम टीटी कॉलेज पथरा सुपौल, ये भी आपको प्राइवेट कॉलेज है। तो बीएनएमयू के अंतर्गत ये 12 बीएड कॉलेज हैं। इनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको 1,05,000 रुपये ही देने होंगे, यानी 11 कॉलेज, एक गवर्नमेंट हो गया, उसमें आपको 24,000 ही लगेंगे। बीएड से संबंधित न्यूज़ को जानने हेतु, चूँकि मैं बीएड कर चुका हूँ इसलिए बीएड से संबंधित सभी न्यूज इस चैनल पर मिलेगा। और कोई भी न्यूज आपको हो तो आप हमको, कोई भी न्यूज चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए, या हमारे फेसबुक पेज सम्राट सर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।